गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट एडवर्ब्स. देर हैव फोर टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स दैट विल कम टू नो इन दिस लेसन. द एडवर्ब, एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ वर्ब. एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब मीन्स एडवर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स अबाउट द वर्ब. वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड्स, एडजेक्टिव मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट नाउन. नाउन के बारे में बताया जाता है कैसा है, गुड बैड व्हाटएवर, कैसा. एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब, मतलब एडवर्ब हमें बताता है कि वर्ब के बारे में, टेल्स मोर अबाउट द वर्ब. वर्ब इज एक्शन वर्ड्स, एडजेक्टिव मीन्स डिस्क्रिप्शंस ऑफ द नाउन एंड अनदर इज एडवर्ब. नाउ सी द काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, द बॉय स्पोक पोलाइटली. हाउ द बॉय स्पोक politely, that shows the adverb of manner. किस तरह से वो बात किया, कौन से manner से बात किया. politely जो words है वो दिखाता है, show करता है कि कौन से manner से बात किया. तो that is adverb of manner. An adverb of manner answers the question how, मतलब how the boy talked softly, how the boy spoke softly. How, when you ask the question with the help of how, you get the answer that shows the manner. Please park your bicycle outside. Now outside, that shows the place. कहाँ park करना है, outside. So that is adverb of place. When the thing shows, when the sentence shows you the place where to keep, out, in, up, down, that shows the place. That is called as adverb of place. When adverb of place answer the question where, okay, when we ask where to keep the bicycle, where to keep this book, where I can get these things, when you ask the question with the help of where, when you get that answer, that is place, adverb of place. The circus is coming to town soon. The circus of is coming to town soon, मतलब जल्दी आने वाले. दे दैट शोज द टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम. एन एडवर्ब ऑफ टाइम आंसर द क्वेश्चन वेन. वेन शुड आई राइट माई होमवर्क, 8 o'clock, 7 o'clock, इन द इवनिंग, वॉट एवर इट इज, आफ्टरनून, इवनिंग, दैट शोज द टाइम. तो वेन वी हास विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन वेन, वर्ड वेन, वी गेट द आंसर. तो द सर्कस इज कमिंग टू टाउन soon. Soon ये जो word है, it shows the adverb of time. It is adverb of time. This dog barks sometimes. This dog barks sometimes. Sometimes means not frequently, very rarely, times कभी नहीं कभी, हाँ, that shows the frequency. Whether it is repeated daily, या इट समटाइम्स, दैट शोज द फ्रीक्वेंसी. कितनी बार वो करता है, कभी कभी करता है, कम करता है, वॉट एवर इट इज, दैट शोज द फ्रीक्वेंसी. तो दैट शोज दिस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. व्हेन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आंसर द क्वेश्चंस हाउ ऑफन, जब हम लोग हाउ ऑफन जब सवाल करते हैं, जब वो मिलता है, जवाब मिलता है, दैट हमें समझना चाहिए कि सेंटेंस है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का, कितनी बार रिपीट किया गया है. दिस इज हाउ टू अंडरस्टैंड और समझना है कि सेंटेंस कौन सा फॉर्म में है, वेदर इट इज अ मैनर फॉर्म और अ प्लेस. इट शोज एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी. तो इट इज डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, adverb of time, adverb of frequency. Okay, now here some of the things are shown over here, that is the assignments that you have to do. See, adverb as a sentence element. Besides the function mentioned above, an adverb can also function as an independent element of a sentence like a subject, verb or object. मतलब यहाँ पर जो example आपको बताया गया है, इसके अलावा भी adverb can also function as a independent element. वो या तो हो सकता है अपने अकेला independently काम कर रहे element of the sentence like subject, verb or object. See, as an independent element of a sentence, an adverb can function as
एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हिस्सा बन के रह सकता सेंटेंस का। सेकेंड है ए नॉट सो इम्पॉर्टेंट, या हो सकता है कभी नॉट सो इम्पॉर्टेंट एज ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस। थर्ड है ए वर्ड दैट पासिस कमेंट ऑन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एक तो इम्पॉर्टेंट पार्ट बन के हो सकता है, इट विल कम, अदरवाइज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। एंड थर्ड इज द वर्ड दैट पासिस कमेंट ऑन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे वो शब्द हो सकते हैं किसी के ऊपर कमेंट पास कर रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, और ए वर्ड दैट कनेक्ट्स अ सेंटेंस विद अनदर सेंटेंस, और अ वर्ड दैट कनेक्ट विद अनदर सेंटेंसेस। ओके, ई स्पोक, सी एक्शन, आई सेड वर्ब। काफ़ी लोग, बच्चे लोग समझ नहीं पाते वर्ब, जब सेंटेंस में वर्ब फॉर्म ढूंढने को बोले तो कुछ और ही अंडरलाइन करते, तो दैट इज दी स्पोक, बोलना, ये एक एक्शन है। तो ई स्पोक क्या किया, उसने बातें किया लाउडली, एडवर्ब ये, ओके, लाउडली मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब, तीन ही चीज़ें इसमें। सब आई वॉज समवॉट अफ्रेड, अभी आई इज अ सब्जेक्ट, वॉज इज अ वर्ब, समवॉट थोड़ा बहुत इज अ एडवर्ब, एंड अफ्रेड इज अ कॉम्प्लीमेंट। ओके, दैट्स योर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। थर्ड इट इज फॉर्चुनेटली, देखिए यहाँ पे फॉर्चुनेटली एडवर्ब पहला आ गया, हियर यू कैन फाइंड इट हैज कम इन, दिस हैज कम इन द एंड ऑफ द सेंटेंसेस, हियर इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस। नाउ यू कैन फाइंड द एडवर्ब कमिंग फर्स्ट एट द सेंटेंस, फॉर्चुनेटली वी वॉन द मैच, भाग्य से हम लोग ने क्या मैच जीता। वी इज द सब्जेक्ट, वन इज द वर्ब, द मैच इज द ऑब्जेक्ट। सो एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मैच ये ऑब्जेक्ट है। विनिंग विल बी डिफिकल्ट, एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अवर, वी कैन ट्राई, अवर वी कैन ट्राई, अवर इज द एडवर्ब, वी इज द सब्जेक्ट, कैन ट्राई इज द वर्ब। सो एडवर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सो दिस इज व्हाट इट इज द एडवर्ब फॉर्म है। आप सम वर्ड्स सम सेंटेंसेस विल बी गिवन टू यू टू जस्ट आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ एडवर्ब इट इज, वेदर इट्स अ मैनर, वेदर इट्स अ प्लेस, टाइम, और इट शोज द फ्रीक्वेंसी। In the next lecture, we will be trying it more to understand it other part of the grammar also. Bye, see you in the next lecture.